आज हम बनाएंगे टेस्टी नमक पारे, वो भी बहुत ही सिंपल वे से। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे। हालांकि नमक पारे के मैं अपने पहले भी दो वीडियो डाल चुकी हूँ। एक मैंने डाले थे काजू वाले नमक पारे और एक थे डिजाइन वाले। लेकिन आज जो हम नमक पारे बनाने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे, और सिंपल वाले नमक पारे जो कि अक्सर आपको हलवाई की शॉप से या फिर बेकरी शॉप से मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे, जिन्हें कि हम ना केवल चाय के साथ ही खाना पसंद करते हैं, बल्कि जब कभी भी छोटी मोटी भूख लगी होती है तो तब भी हम इन्हें खाना पसंद करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मैदा, इस बाउल से ये 3 बाउल्स हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है, ये है सॉल्टेड बटर, यानी नमक वाला बटर, और इसे हमने मेल्ट कर लिया है। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 1/2 चम्मच से ज़्यादा है अजवाइन, और ये है लगभग 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैदा मलने की तैयारी करते हैं। और अब हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लिया है और उसमें ऐड कर लिया है मैदा, बेकिंग पाउडर और ये है अजवाइन। तो सबसे पहले हम इन्हें हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना कुछ मिलाए, यानी बिना हम यहाँ पे ऑयल मिलाए हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आप सॉल्टेड बटर नहीं लेंगे, उसकी जगह रिफाइंड ऑयल लेंगे, तो फिर आप यहाँ पर नमक भी ऐड कर लीजिएगा। हाँ, एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने 3 कटोरी मैदा लिया है और 3/4 मक्खन है। तो अगर आप भी 3 कटोरी अगर मैदा लेंगे तो जो आप चाहे ऑयल लेंगे या फिर मक्खन लेंगे तो कम से कम 1/2 कटोरी जरूर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लेंगे 3/4 कटोरी, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वरना ये इसमें मोइन जो है, यानी कि जो रिफाइंड ऑयल है या फिर जो मक्खन है, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। तो ये रेशियो आप ध्यान रखिएगा, 3 कटोरी के साथ 1/2 कटोरी कम से कम रिफाइंड, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो वो 3/4 कटोरी। तो अब हमने सारा का सारा मेल्टेड बटर यहाँ पर मैदे में मिक्स कर लिया है, और अच्छे से हम मिक्स करने के बाद बाइंड करके देखेंगे कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर ये हमारे हाथ में मुट्ठी में एकदम बाइंड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इनफ है, इतना काफ़ी है। तो देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है तो काफ़ी है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पानी मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम नॉर्मल आटा जैसे हम रोटी के लिए मलते हैं, सेम उसी तरीके से एक डो तैयार कर लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हमें यहाँ पर गूंदना है आटा, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, यानी कि गीला नहीं करना हमें। तो देखिए अब हमने तो कर लिया है यहाँ पर मैदा तैयार, तो चलिए अब हम करते हैं आगे की तैयारी। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको पानी दिखा रही हूँ, देखिए कितना कम पानी लगाया ना, सिर्फ थोड़ा सा पानी हमने लिया है और इसे अच्छे से गूंद लिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी डाला है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक छोटी सी लोई, जैसे कि एक नॉर्मल रोटी के लिए ली जाती है ना, हमने पतली लोई लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी। जैसे एक पतली रोटी नॉर्मली घर में हम बनाते हैं डेली रूटीन में, उसी तरह से हम एक लोई लेंगे और इसको अब अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे, यानी फैला लेंगे। जितना बड़ा हमारा चकला है हम उतना लंबा साइज तो कर ही सकते हैं ना, उतना बड़ा साइज, तो बस हम अपने इस चकले के बराबर पूरा का पूरा इस रोटी का साइज कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे, ताकि ये इसकी जो लेयर है वो बहुत मोटी ना हो। तो अब हमने यहाँ पर देखिए आप पूरे चकले के हिसाब से इसे अच्छे से फैला लिया है, और अब हम करेंगे चाकू से कट। तो चाकू से आप जो इसे शेप दे रहे हैं, आपका जैसा मन हो आप उसी पीसेस की तरह इन्हें कट कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कर सकते हैं, और जैसा आपको अच्छा लगे आप उसी शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इन्हें सिंपल वे में कट कर रही हूँ, जैसे कि नॉर्मली नमक पारों को शेप दी जाती है। तो आप चाहे तो इन्हें 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी जैसे मैंने 3 कर दिए हैं तो 2 में भी, तो जैसा आपको ठीक लगता है। तो अब हमने सेम तरीके से दूसरी रोटी भी यहाँ पर तैयार कर ली है और उसे भी हम कट कर रहे हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कुछ बहुत ही लंबे पीसेज हैं, तो मैं उन्हें बीच में से कट कर रही हूँ। तो बस देखिए हो गए हैं हमारे यहाँ पर ये वाले नमक पारे भी तैयार। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें तल लेते हैं, और यहाँ पर तेल भी हो चुका है परफेक्ट गरम, यानी तेल को हमने मीडियम गरम कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा, मीडियम गरम। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो हमने अभी कट किए हैं नमक पारे। जब कभी भी हम मट्ठी बनाते हैं या फिर पापड़ी बनाते हैं तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जो तेल है उसको बहुत ही कम गर्म करती हूँ, यानी मीडियम गर्म नहीं, मीडियम से कम। लेकिन जब मैं नमक पारे बनाती हूँ तो नमक पारे को बनाने के लिए हमेशा तेल को मैं मीडियम गर्म करती हूँ, तभी वो बहुत अच्छे से फूलते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं।
लेकिन मट्ठी के केसेस में तो हमें ऐसा नहीं करना होता ना, ना तो मट्ठी में और ना ही पापड़ी में, उनमें तो हमें फुलाना नहीं है, तो हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं करना होता, कम तेल करके धीरे धीरे उन्हें हमें फ्राई करना होता है। जबकि नमक पारे तो हमारे यहाँ फटाफट से देखिएगा आप बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जो तेल है हमारा वो मीडियम गर्म है और मीडियम ही आँच में हम इसे पकाते हैं यानी फ्राई करते हैं। और जब लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो फिर आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे नमक पारे तैयार हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिखने में भी सुंदर लग रहे हैं, फूले हुए बने हैं और एकदम खस्ता भी हैं ये खाने में। और बस सेम तरीके से हम बाकी के सारे नमक पारे भी यहाँ पर तैयार कर लेंगे। बस तेल को बीच बीच में आप लो करते जाइएगा, क्योंकि जो तेल है ना वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो जैसे ही आप नमक पारे डालेंगे तो वो डालते ही ब्राउन हो जाएंगे और फिर वो बहुत अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फूल भी रहे हैं और फर्स्ट क्लास हमारे यहाँ पर नमक पारे बन करके तैयार भी हो गए हैं। तो बाहर भी तो जब हम शॉप से लेते हैं तो लगभग वो इसी तरीके के होते हैं, इनफैक्ट हमने जो ये बनाए हैं ये ज़्यादा टेस्टी हैं और ज़्यादा खस्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अच्छे ऑयल में बनाए हैं और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से। भाई मैं तो अक्सर इन्हें बना करके एक एयर टाइट डब्बे में रख लेती हूँ ताकि ये सिले ना, और जब कभी भी मेहमान वगैरह आते हैं यानी गेस्ट वगैरह आते हैं तो तब भी मैं उनके आगे इजीली इन्हें सर्व कर देती हूँ। और वैसे भी मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको ये खाने बहुत ही पसंद हैं, तो जब कभी भी ये नमक पारे ख़त्म हो जाते हैं तो अक्सर वो डिमांड कर लेती हैं मेरे से कि नमक पारे बना करके तैयार कर लो। तो देखिए हमारे टेस्टी से नमक पारे तो हो चुके हैं तैयार। देखिए लग रहे हैं ना आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और दिखने में भी सुंदर। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।